हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल फूड अप बीट्स पर बनाने वाली हूँ पास्ता की एक बहुत ही इजी टू मेक रेसिपी, जिसमें बहुत ही कम प्रिपरेशन लगता है। टेस्ट को बढ़ाने के लिए आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि लोग सैंडविचेस में मेयोनीज का यूज़ करते हैं, बट आज सैंडविच नहीं, पास्ता का टेस्ट बढ़ाने और थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए मैं अपने इस पास्ता की रेसिपी में तंदूरी मेयोनीज का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं तंदूरी मेयोनीज पास्ता बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैकरोनी पास्ता 2 कप, रिफाइंड ऑयल 1/2 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, नमक एज पर द टेस्ट, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1/2 टीस्पून, तंदूरी मेयोनीज 3 टेबलस्पून, वेज मेयोनीज 4 टेबलस्पून और टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून। तो सबसे पहले पास्ता को बॉईल करने के लिए एक बर्तन ले और इसमें डाले 1 लीटर के करीब पानी। अप्रॉक्सीमेटली ये 4 से 5 कप होता है, तो आप 4 से 5 कप पानी ले ले और इसमें हमें डालना है 1/2 टीस्पून नमक और फिर डालेंगे रिफाइंड ऑयल जो मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब। फ्लेम को हाई पे रखें और पानी में एक बॉईल आने पर डालें 2 कप मैकरोनी पास्ता और इसे अच्छे से मिला लें। इसे हमें 5 मिनट ही बॉईल करना है। पास्ता के एक्चुअली बहुत टाइप्स होते हैं, तो जब भी आप पास्ता बॉईल करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि छोटे साइज़ के पास्ता को बॉईल होने में 5 से 6 मिनट ही लगता है और वही बड़े साइज़ के पास्ता को बॉईल होने में 9 से 10 मिनट लगता है। तो जब भी आप पास्ता बॉईल करें तो आप उसके टाइप का ज़रूर ध्यान रखें। पास्ता को अगर ओवर कुक मीन ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं तो इसका जो शेप है ना, वो बिगड़ जाता है। तो शेप का ख्याल ज़रूर रखें क्योंकि हमें पास्ता का हलवा नहीं बनाना। अब पास्ता को बॉईल होते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आप नाइफ का यूज़ करें। इससे आप कट करेंगे तो ये आराम से कट हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये इजीली कट हो रही है, मतलब ये रेडी हो गई है। अपने नेक्स्ट प्रोसीजर में जाने के लिए इसे आप निकाल ले। मैं यहाँ डायरेक्टली निकाल रही हूँ, आप इसे छन्नी से छान के भी पूरा एक साथ निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो एक नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन ले ले और इसे हीट कर डाले 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करें या ऑलिव ऑयल यूज़ करें, टेस्ट आपको सेम ही मिलेगा। ऑयल हीट हो जाने पर डालें मैकरोनी पास्ता जो मैंने लिया है 2 कप। अब अच्छे से लो फ्लेम पर इसे चला लें। अब चलिए पास्ता में टेस्ट ऐड करते हैं। तो इसमें डालें सबसे पहले तंदूरी मेयोनीज जो मैंने लिया है लगभग 3 टेबलस्पून, फिर डालें 4 टेबलस्पून वेज मेयोनीज के, 2 टेबलस्पून टमेटो केचप, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। आप मिक्स्ड हर्ब्स की जगह ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं। फिर डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक ध्यान से डालें क्योंकि मेयोनीज और केचप में पहले से ही नमक एडेड रहता है, तो पहले थोड़ा कम ही डालें नमक और फिर बाद में टेस्ट कर ऐड कर लें। पास्ता को इन सब के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पर लगभग 1 मिनट कुक कर लें। तो इसे 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर चलाएं और फ्लेम को ऑफ कर लें। और ये लीजिए, बन गई चटपटी तंदूरी मेयोनीज पास्ता की रेसिपी। इसे आप ब्रेकफास्ट या लंच के लिए बिल्कुल कम समय में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये तंदूरी मेयोनीज पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी
तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।